ये 13 नेशनल कॉन्फ्रेंस है इंडियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की, 13-14 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे कार्डियोलॉजिस्ट हिंदुस्तान भर के और बाहर के भी इसके मेम्बरान हैं। तो ये करीब 250-300 डॉक्टर्स ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर कराया है पूरे देश भर में से, और करीब 35-40 फैकल्टी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, अजमेर मेडिकल कॉलेज से, उदयपुर मेडिकल कॉलेज से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, चेन्नई मेडिकल कॉलेज से, पूरे देश भर से, इवन श्रीनगर से डॉक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर जो कि अपने व्याख्यान दे रहे हैं। फिर मेडिकल स्टूडेंट्स को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको पोस्टर प्रेजेंटेशन करवाए जा रहे हैं, पोडियम प्रेजेंटेशन, किस तरीके से डॉक्टरों के सामने अपने प्रेजेंटेशंस करने चाहिए, इंटरनेशनल फोरम में कैसे बात करनी चाहिए, उन सबको सिखाया जा रहा है ये सब चीज़ें। फिर कल सवेरे जो है ECG की मास्टर क्लासेस होंगी, जो ECG के मास्टर्स हैं फील्ड के, बिल्कुल जो होते हैं पुरोधा होते हैं, वो एक एक घंटा इन लोगों को पढ़ाएंगे। और डॉक्टर माहेश्वरी जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं, डॉक्टर GK अनेजा साहब जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं, वो खुद स्वयं कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आज उन्होंने यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर इनॉग्रल सेशन जो है चेयर किया, और उन्होंने जो है सब जितने डॉक्टर्स हैं मेडिकल कॉलेज के जो MBBS के फाइनल ईयर के हैं, MD के फाइनल ईयर के हैं, उन सब से कहा है कि वो कॉन्फ्रेंस में आए और अटेंड करें, उन सब के लिए फ्री कॉन्फ्रेंस रहेगी। आज के जो दो सेशन साइंटिफिक हुए थे वो हाइपरटेंशन के ऊपर हुआ था, ब्लड प्रेशर के ऊपर, और दूसरा हार्ट अटैक के ऊपर हुआ था। किन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, कैसे उसके लक्षण होते हैं, कैसे उनसे बचा जाए, और कुछ ऐसे भी था कि भाई जैसे एसेंशियल हाइपरटेंशन माना जाता है, तो कुछ ब्लड प्रेशर के ऐसे कुछ अंदरूनी कारण भी होते हैं जिन्हें सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है, तो उनको अगर हम मालूम कर लेते हैं तो इसका इलाज पूर्णतः हो जाता है, और फिर जो है उसको लगातार जीवन भर ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी पड़ती। सेकेंडरी हाइपरटेंशन पर भी काफ़ी चर्चा हुई। फिर हार्ट अटैक किन लोगों को होता है, कैसे हार्ट अटैक से बचा जाए, कैसे एंजाइना से बचा जाए, इन सब के ऊपर व्याख्यान दिए गए। डॉक्टर कौशिक साहब ने हार्ट अटैक के बारे में बताया, डॉक्टर RK गोखरू जो इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के ऊपर अपना व्याख्यान दिया। राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन काफ़ी रेयर फिनोमेना है और बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है, तो किस तरीके से बारीकी से देख के और उसको पकड़ के उसका इलाज किया जा सकता है, इसके ऊपर उन्होंने व्याख्यान किया।